अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉमन मिस्टेक ऑन यूट्यूब फॉर फर्स्ट कमर। जो लोग फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आते हैं वो लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक नंबर जो मिस्टेक है, यानी जब हम वीडियो कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एकदम लेंस की तरफ देखना होगा। अगर हम इस तरफ उस तरफ देख के बातें करें तो जो बंदा आपका वीडियो देख रहा होगा वो समझेगा कि आपकी तरफ उनका कोई कंसंट्रेट नहीं है, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं ज़्यादा नहीं देखेगा। इसलिए सबसे बढ़िया जो है आप लोगों को जो करना है वीडियो करते वक्त, एकदम सामने के तरफ देखना है, जहाँ आपका जो कैमरे का लेंस है लेंस की तरफ आंखें रखनी है, ताकि आपका वीडियो जो है वो अच्छा हो और जो बंदा भी आपका वीडियो देखे वो समझे कि हाँ, ये बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है और मेरी तरफ़ देख के बना रहा है। यानी एक बात में जो है आई कांटेक्ट, यानी बंदे का आई कांटेक्ट होना मांगता है, एक नंबर। दो नंबर जो है, जब आप वीडियो कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आप में मुरझाया हुआ चेहरा या फिर आप में एनर्जी नहीं है, इस तरीके का अगर कुछ फोकस हो तो फिर कोई बंदा आपका वीडियो नहीं देखेगा। यानी वीडियो करने के वक्त आप में एनर्जी होना मांगता है, अच्छा एनर्जी होना मांगता है, ताकि बंदे आपका वीडियो अच्छी तरीके से देखे। अच्छा, फिर तीसरी तरफ जो है, तीसरा जो मामला है, ऑडियो वीडियो और लाइटिंग, AVL, ऑडियो वीडियो लाइटिंग। इस बारे में भी थोड़ा, यानी जहाँ बैठ के आप वीडियो करेंगे आपका जो फोकस है, आपका जो वीडियो है ये अच्छा होना मांगता है, लाइटिंग अच्छा होना मांगता है, और फिर जो वॉइस है ये भी अच्छा होना मांगता है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हों तो फिर आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा होगा। अच्छा, चौथे नंबर पे जो बात है, जो लोग नए YouTube में आते हैं वो लोग समझते हैं कि हर बंदे के YouTube के चैनल के नीचे, जो वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए, यानी एक ही कमेंट बार बार, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो इस तरीके का अगर कोई कंटेंट डाले तो ये भी बहुत ख़राब है। जिस किसी भी टाइम आपका चैनल बंद हो सकता है। यानी आप लोग किसी कमेंट को स्पैमिंग ना कीजिए, यानी आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए ताकि बंदे आपका वीडियो देखे, आपका वीडियो देख के हर बंदे को अच्छा लगे। ठीक है, तो आपका जो व्यू है वो भी बढ़ेगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल ग्रो करता रहेगा। पांचवें नंबर पर जो बात है, बहुत बंदे हैं जो लोग करते क्या है, यूट्यूब के अंदर एक तरीके का वीडियो देते हैं, लेकिन एक वीडियो दिया पुराना वीडियो, लेकिन जो टाइटल है वो चेंज करके दे दिया, तो ये भी बहुत ख़राब बात है। इस तरीके का कुछ ना करें, वरना जो बंदे आपका चैनल का वीडियो देखेंगे, एक बार देखेंगे और देखेंगे गए सलमान खान के पिक्चर देखने के लिए, लेकिन जाने के बाद देख रहे हैं कि ये अक्षय खन्ना का पिक्चर है, ये अक्षय खन्ना की मूवी है, तो बंदे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका चैनल वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अनसब्सक्राइब कर देंगे। इसलिए आप लोग जो करेंगे अच्छा कंटेंट, अच्छा यानी जिस बारे में आपका वीडियो है उसी टाइप का आप टाइटल दीजिएगा, उसके अलावा दूसरे टाइप का टाइटल ना दीजिए, वरना आहिस्ता आहिस्ता आपके जो सब्सक्राइबर है वो कम होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद जो है, यानी आप उसके बाद छः नंबर पे जो है, आप लोग जब वीडियो बनाएंगे, वीडियो के शुरू में जिस बारे में वीडियो बनाएंगे वो बात आपको बोल देनी चाहिए, यानी उस बात को क्लियर कर देनी चाहिए, और यानी इंट्रो जो है वो अच्छा होना मांगता है। जितना अच्छा इंट्रो होगा आपका वीडियो उतना अच्छा होगा और आपके व्यूवर्स भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर सातवें नंबर पे जो बात है, जहाँ बैठ के आप वीडियो बनाएंगे उसका जो बैकग्राउंड है उस वीडियो के साथ मैच होना मांगता है। यानी
आप क्या बोलते हैं इसको, चाय की दुकान में बैठ के अगर आप कुछ मनी अर्निंग की वीडियो बनाए तो ये नहीं होगा, कोई बंदा इसको नहीं देखेगा। या फिर आप एक चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन दूसरे चीज़ को पीछे रख के प्रमोशन कर रहे हैं तो फिर ये प्रमोशन नहीं होगा। और वीडियो यानी हर चीज़ के साथ हर चीज़ का ताल होना मांगता है। और उसके बाद जो है हर कोई बंदा चाहता है जल्द से जल्द उसका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए, ये इसके लिए वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द उसका वीडियो अच्छा व्यू हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है, ये वो सब कुछ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो है यानी मोनेटाइजेशन टू अर्ली ये नहीं चाहिए, यानी मोनेटाइजेशन हो लेकिन आपके खुद के वीडियो से आहिस्ता आहिस्ता काम करने के बाद हो, यानी जल्द से जल्द काम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी आपके खुद के वीडियो से मोनेटाइजेशन हो। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, यानी हर बात को छोटे छोटे करके वीडियो कंप्लीट करने का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बहुत सी बातें की जो यूट्यूब के रिलेटेड है, जो नए लोग हैं वो लोग यूट्यूब में ये जो मैंने बोली हैं बातें इनको अवॉइड करके चले तो इंशाल्लाह आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो करेगा। और ये जो कॉमन मिस्टेक है ये अगर ना करे तो इंशाल्लाह आपका चैनल में आपका चैनल 100% ग्रो करेगा, सक्सेस होंगे। और अगर मेरी ये जो वीडियो है अगर अच्छी लगी तो इसमें लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो दूँ तो आप लोगों को वीडियो मिल जाए। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।